गोडसे विवाद के चलते सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, मैं आ रही हूं, मुझे जला दीजिए। कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने सांसद प्रज्ञा को जिंदा जलाने की बात कही थी। कांग्रेस विधायक की धमकी पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया और कांग्रेस को चुनौती देते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है। 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने का अनुभव है। मैं 8 दिसंबर शाम 4 बजे ब्यावरा के मुल्तानपुरा में आ रही हूं, जला दीजिए। गोडसे विवाद के दौरान ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन डांगी का बड़बोलापन सामने आया था और उन्होंने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। डांगी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर कभी सामने आई तो उसका पुतला नहीं बल्कि उसे पूरा साक्षात जला भी देंगे। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे। प्रज्ञा ठाकुर आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।